गुरु के अल्फाज में सरस्वती को उतरते देखा है, गुरु के होठों से समय सार को झरते देखा है। जब से रखा है यह सर गुरुवर के पाक चरणों पर, हमने हर वक्त अपनी तकदीर को बदलते देखा है। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में शत शत नमन। जय जिनेन्द्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने अनिर्वचनीय व्यक्तित्व पाठ्यक्रम 2 से लिया है। यह प्रसंग सन 2010 का है। बात उस समय की है जब आचार्य भगवंत का शीतकालीन प्रवास सतना मध्य प्रदेश में चल रहा था। अब आहार के बाद इर्यापद भक्ति का समय हो रहा था। धूप में लगे सिंहासन पर आचार्य भगवंत अपने सभी शिष्यों के साथ सुशोभित हो रहे थे। इर्यापद भक्ति बस कुछ ही देर में आरंभ होने ही वाली थी, तभी मुनि श्री धीर सागर जी महाराज, जो कि आहार करके अभी अभी ही वापस आए थे, वे इर्यापद भक्ति के लिए उस स्थान पर पहुंचे। लेकिन उन्होंने वहां पर देखा कि कोई भी पाटा जो है वो खाली नहीं है उनके बैठने के लिए। तभी मुनि श्री महासागर जी महाराज ने जब देखा कि कोई भी पाटा नहीं है, तो उन्होंने वहां पर खड़े एक श्रावक को इशारा करते हुए कहा कि एक पाटा ले आइए। और यह जो दृश्य था वो आचार्य भगवंत ने देख लिया। तब आचार्य गुरुवर ने मुनि श्री महासागर महाराज जी से कहा, क्यों महाराज जी, आपने धीर सागर महाराज पर करुणा तो की है, पर यह सक्रिय करुणा नहीं है। उस श्रावक के पास ना तो पिच्छी है और ना ही उसकी समितियां हैं, अतः उससे इस कार्य में हिंसा हो सकती है। अगर आप स्वयं जाकर पाटा नहीं ला सकते, तो आप अपना पाटा भी दे सकते थे। करुणा में आपको 3 अंक तो मिल गए, पर सक्रिय करुणा के अभाव में विशेष अंक नहीं मिल पाए, इसलिए अगली बार से ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ऐसा ही एक प्रसंग सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी मध्य प्रदेश में भी हुआ। जब आचार्य भगवंत का सत्संग स्वाध्याय चल रहा था, उसी बीच किसी प्रसंग को देखने के लिए किसी अन्य ग्रंथ की जरूरत महसूस हुई। तब एक मुनिराज ने वहां पर खड़े ब्रह्मचारी भैया जी को बोला, मेरे कक्ष से अमुक पुस्तक ले आइए। यह सुनकर आचार्य भगवंत बोले, महाराज जी, ब्रह्मचारी जी को पीछे और दे दीजिए, जिससे वह परिमार्जन करके ग्रंथ को उठा लाए। मुनिराज गुरुवर का संकेत समझ गए और स्वयं उठकर ग्रंथ लाने के लिए चले गए। तो दोस्तों, एक एक समिति आचार्य भगवंत के जीवन की प्राण है। वह न केवल पालन ही करते हैं, अपितु समय समय पर अपने शिष्य के माध्यम से भी सभी शिष्यों को सजग और सतर्क भी करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह संस्मरण पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को अपने परिजनों एवं मित्रों में अवश्य शेयर करें, ताकि वे विद्या गुरु संस्मरण से वंचित ना रह पाएं। और अगर आपके पास विद्या गुरु से संबंधित कोई भी संस्मरण है, तो उसे हम तक अवश्य पहुंचाएं। जय जिनेन्द्र।